हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं वीएमवे वर्चुअलाइजेशन की वीडियो के बारे में। ऑलरेडी हमने इसमें 29 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कोर वी सेंटर सर्विस के बारे में, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने वी सेंटर सर्वर को मैनेज करने का काम करते हैं। मीन्स कितने ऑप्शंस, कितनी सर्विसेज आपके वी सेंटर सर्वर में दिखती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी बेस से स्टार्ट करते हैं, मीन्स हाउ वी कैन कॉन्फिगर द वी सेंटर सर्वर। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो ऑलरेडी वीडियो आपके पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आप वी सेंटर अप्लायंस को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, या वी सेंटर सर्वर आपको कैसे इंस्टॉल करना है, वो सभी वीडियो ऑलरेडी क्रिएट है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उस वी सेंटर सर्वर को कैसे मैनेज किया जाए। तो आज ये अब बोल सकते हैं कि पहली क्लास है रिलेटेड टू द वी सेंटर सर्वर, क्योंकि हम वी सेंटर सर्वर के अंदर सभी टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स होते हैं वी सेंटर का, एचए हो गया, डीआरएस हो गया, या माइग्रेशन हो गया, वीमोशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को कॉन्फ़िगर करना, ये सभी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यू नो दैट कि वी सेंटर सर्वर हमारे वीएमवे वर्चुअलाइजेशन का एक तरीके का बैकबोन होता है। तो हर एक वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर, एक वीएमवे एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता होना चाहिए कि वी सेंटर सर्वर को कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको हर एक एक्टिविटी आसानी से समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले आपको एक्सेस करना बताते हैं, पहले आपको सेटअप दिखा देते हैं कि क्या क्या सेटअप हमने बना रखा है। ये आपका डोमेन कंट्रोलर है और ये हमारा वी सेंटर सर्वर है। अभी हम वी सेंटर सर्वर पे बात कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम अपने वी सेंटर अप्लायंस को भी इंस्टॉल करेंगे और अप्लायंस को भी कॉन्फिगर करने का काम करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो इन्वेंट्री दिखती है आपकी, अप्लायंस और वी सेंटर सर्वर दोनों की जो इन्वेंट्री है बिल्कुल सेम है, केवल इंस्टॉलेशन का तरीका डिफरेंट रहता है। वी सेंटर के लिए आपको एक सर्वर मशीन इंस्टॉल करनी पड़ती है, उस सर्वर के ऊपर आप वी सेंटर सर्वर की आईएसओ इमेज को माउंट करते हैं एंड देन इंस्टॉल। लेकिन अप्लायंस की बात करते हैं तो अप्लायंस के केस में क्या होता है कि आप वीएमवेयर की साइट के ऊपर जाकर के ओवीए फाइल को डाउनलोड करोगे और उस ओवीए फाइल को अपने किसी भी ईएसएक्सआई होस्ट के अंदर क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे और उससे आपका वी सेंटर सर्वर या वी सेंटर की सर्विसेज आपको मिलने लगेगी विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट। तो वी सेंटर सर्वर अपने पास ये है, इसकी हम बिल्कुल बेस से देखते हैं। वी सेंटर सर्वर हमने इस पे इंस्टॉल कर रखा है। सबसे पहला टॉपिक ये है कि आपको वी सेंटर सर्वर की आईपी पता होना चाहिए। और आईपी की बात करें तो यहाँ पे आईपी कॉन्फिग हम टाइप करेंगे 200.192.168.0.200, इसकी आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है और इसको हम किसी भी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये अपने पास डोमेन कंट्रोलर है, इसके ब्राउजर ओपन करा लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, और यहाँ पे आप अपने वी सेंटर सर्वर की आईपी मेंशन कर दीजिए 192.168.0.200, एंटर प्रेस करेंगे। अभी कोई भी सर्टिफिकेट एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा है, इस वजह से ये प्रोसीड टू कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। एंड देन वी स्पेयर क्लाइंट विद एचटीएमएल ओपन करा लेते हैं। नाउ वी डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, दैट्स व्हाई ये बार बार ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद अनसेफ, तो हमें अभी इसको प्रोसीड करना पड़ेगा अनसेफ। जब हम एसएसएल सर्टिफिकेट कॉन्फिगर कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, तब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन जो बार बार कंटिन्यू की बात कर रहा है, अनसेफ की बात कर रहा है, वो हट जाएगा। सिंपल सा यूजर नेम हर एक वी सेंटर सर्वर का ये होता है, administrator@vsphere.local, ठीक है ना, ये बिल्कुल बेस है। ये आपको यूजर नेम रखना है, यहाँ पे कोई रूट नहीं चलेगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर चलेगा क्योंकि आपने विंडोज पे इंस्टॉल कर रखा है। तो administrator@vsphere ये आपका कॉमन नेम होता है लॉगिन कराने का। और पासवर्ड वाइल इंस्टॉलेशन, जो भी पासवर्ड आप कॉन्फिगर कर देंगे वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने एक पासवर्ड इस्तेमाल किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, सेम पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया। दोनों एक्टिविटी, दोनों यूजर नेम एंड पासवर्ड का अप्रूवल मिलने के बाद आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी और इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री के ऊपर हमें सभी टास्क परफॉर्म करने हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश हम ये करेंगे कि आने वाले 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन के अंदर हम आपको वी सेंटर सर्वर की सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रैच से दे पाए। एक एक ऑप्शन जो भी आपको लिस्ट में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये सभी स्टेप हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आप अपना फीडबैक जरूर देते रहना कमेंट के थ्रू या मैसेज के थ्रू, क्योंकि हमने अपने जो टीच मी क्लाउड का कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी शेयर कर रखा है। तो आप डायरेक्टली मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इवन आप कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो कि कमेंट हमारा ओपन है। सेकेंड, अब बात करते हैं इन्वेंट्री को समझने की। तब इन्वेंट्री की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे तीन डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला ऑप्शन इन्वेंट्रीज है, दूसरा ऑप्शन मॉनिटरिंग है और तीसरा ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमें जो टास्क परफॉर्म करने हैं इन्हीं एक्टिविटी पे टास्क परफॉर्म करने हैं, लेकिन एक साथ तो पॉसिबल है नहीं कि सभी को कवर कर लें। इस वजह से हम एक एक स्टेप फॉलो करते हैं कि बेस से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाए।
जैसे ही आप इन्वेंट्री देखेंगे, आपको सबसे पहले जो काम करना है वो होस्ट एंड क्लस्टर पे काम करना है, क्योंकि बिना होस्ट और क्लस्टर के हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी आप देख रहे हो कि जो पेज हमारा दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से ब्लैंक है, यहाँ पे नो यूसेज, नो मेमोरी, नो स्टोरेज, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वी सेंटर क्या है, वी सेंटर एक मीडिएटर है जो एन नंबर ऑफ ESXi होस्ट को कंटेन करके उनकी सर्विसेज को मैनेज करने का काम करता है। एज वी नो दैट ऑलरेडी हम 29 क्लास में पढ़ चुके हैं कि वी सेंटर एक्टिविटी क्या होती है। अब यहाँ पे हमारा टास्क ये आता है कि प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हमारा एजेंडा है कि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, राइट। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए है क्योंकि आपने किसी ESXi को ऐड नहीं किया, और ये जो यहाँ पे कंजप्शन होगा CPU का, रैम का और स्टोरेज का कंजप्शन होगा, वो आपके ESXi से रिलेटेड रहेगा। मीन्स अगर आप ESXi नहीं रखते हैं तो आपके जो 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 भी सेंटर सर्वर है ना, यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं दिखाई पड़ेगा, क्लियर। चलिए अब ये आपका डेटा सेंटर, उसके बाद टेम्पलेट, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद नेटवर्किंग। अब देखो बॉक्स में ही ना सारी चीजें मेंशन की गई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली किसी पे भी क्लिक करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है कि नेटवर्किंग आप करेंगे किसके लिए, ESXi तो है नहीं, VM तो है नहीं, स्टोरेज किसके लिए लगाएंगे आप, वर्चुअल मशीन के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वर्चुअल मशीन कब आएगी, जब आप अपना ESXi ऐड करेंगे। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। डेटा सेंटर पे आपने करना है क्लिक, और यहाँ पे करना है क्लिक एक्शन पे, और एक्शन पे देखो दो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपको। डायरेक्टली दिखाई पड़ रहा है, डेटा सेंटर दिखाई पड़ रहा है, फोल्डर दिखाई पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच दिखाई पड़ रहा है ना, लाइसेंस दिखाई पड़ रहा है, एक्सपोर्ट सिस्टम लॉग्स दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम एक एक ऑप्शन के बारे में बारीक से देखेंगे, ताकि आपको कभी भी वी सेंटर सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। कोई भी सर्विस अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन, यहां तक मेरे सब कुछ क्लियर होगा। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है वी सेंटर, और बहुत आसान है इसको तैयार करना। अगर आप डेडिकेटली 1 महीने देख देते हैं, 1.5 महीने का टाइम दे देते हैं वी सेंटर सर्वर के ऊपर, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे करते हैं डेटा सेंटर के ऊपर क्लिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा सेंटर है क्या। डेटा सेंटर कुछ भी नहीं है, एक तरीके का कंटेनर है जो कि आपके ESXi होस्ट को कंटेन करने का काम करता है, राइट। आप मल्टीपल डेटा सेंटर बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इन्वायरमेंट में 10 ESXi होस्ट है, और आप उन 10 ESXi होस्ट को पांच पांच में कैटेगराइज करना चाहते हैं। मतलब 5 ESXi आपने दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रख दिया, 5 ESXi दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रख लिया। तो आपने क्या करना है, डेटा सेंटर दो बनाने हैं, एक डेटा सेंटर में 5 ESXi, दूसरे डेटा सेंटर में 5 ESXi। तो अभी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ट्रेनिंग डेटा सेंटर, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा सेंटर के नाम से दे देते हैं, क्योंकि हमारा ये कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर आपके पास जितनी भी ESXi है इन्वायरमेंट में, 2, 3, 4, 15, 20, 25 जितनी भी ESXi होस्ट है, उसे हम इस डेटा सेंटर में इन्वॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ESXi पहले से बना रखा है। ESXi के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको वीडियो में दे रखी है, आप प्लेलिस्ट जरूर देखना। अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखना एक बारी चेक करने के लिए, क्योंकि बिना ESXi के भी सेंटर की एक्टिविटी हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले आप ESXi के पार्ट को कंप्लीट करो, उसके बाद भी सेंटर सर्वर का जो पहली वीडियो है ये, इसके साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। 105 अपने पास ESXi होस्ट की IP है। डोमेन को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप डेटा सेंटर पर राइट क्लिक करना है आपने, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जो भी होस्ट यानी ESXi होस्ट की बात कर रहे हैं उसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो IP एड्रेस की डिटेल बता रहा है, 192.168.0.105 हमारे पास इसकी ESXi होस्ट की IP एड्रेस है। तो जितने भी नंबर ऑफ ESXi हैं, जैसे अभी हमने पहले ESXi को मेंशन किया, रूट इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो भी है इसका, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप इंस्टॉल यूज किए होंगे उसी पासवर्ड को आप मेंशन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करके 10, 15, 20, 25 जितने भी ESXi हैं सब में यही प्रोसीजर लगेगा ESXi को ऐड करने के लिए, और आप डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। लाइसेंसिंग, ये कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं कि आप एट अ टाइम, पहले अगर आपने लाइसेंस नहीं कॉन्फिगर किया तो आप अभी उसका लाइसेंस है तो इन्वॉल्व कर सकते हैं वी सेंटर सर्वर के साथ। बाय डिफॉल्ट हम फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 60 डेज के लिए फ्री ट्रायल है अपना, नेक्स्ट कर दो। लॉकडाउन मोड अभी डिसेबल करते हैं, क्योंकि हम ट्रबल शूटिंग के टाइम पे लॉकडाउन मोड को अनेबल करेंगे। VM लोकेशन एक ही डेटा सेंटर है, तो डेटा सेंटर चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब आप कर दीजिए फिनिश। सक्सेसफुली हमने प्रोसीड कर दिया टू ऐड अवर ESXi होस्ट अभी, बट ये 0% है, 80% है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चीज़ आपकी 90%, ये जो भी एक्टिविटी आप करेंगे ये डिस्प्ले में आपको दिखता रहेगा, रिसेंट टास्क में दिखता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीटेड, तो डेटा सेंटर ये आपका वी सेंटर सर्वर का नेम, उसके बाद आपका ट्रेनिंग
डेटा सेंटर के नाम से जो हमने बनाया कंटेनर, उस कंटेनर की इंफॉर्मेशन आ गई, उस कंटेनर के अंदर हमने सक्सेसफुली एक ESXi को जोड़ दिया। उस टाइम पे ESXi के टाइम पे ऑलरेडी अगर ESXi के पास दो तीन वर्चुअल मशीन अवेलेबल है ना, तो वो सबकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, राइट। जैसे यहाँ पे विंडोज 10 दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं, ESXi में हम अपनी वर्चुअल अभी क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम प्रोसीजर आपको यूज करना है जैसे हमने पहले किया था ESXi होस्ट पे VM बनाना। अब आप डेटा सेंटर के अंदर जो अपने ESXi को ऐड किया ना 105 को, ठीक है, इसको भी हम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, अभी नेमिंग से यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप VM क्रिएट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ सेम डिफरेंट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपको, क्रिएट वर्चुअल मशीन, डिप्लॉय टेम्पलेट, क्लोन एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, है ना, क्लोन एन वर्चुअल मशीन टू टेम्पलेट, टेम्पलेट टू क्लोन टू टेम्पलेट एंड कन्वर्ट टेम्पलेट टू द वर्चुअल मशीन, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक नई VM बनाने वाले हैं, और अनफॉर्चुनेटली VM बनाने का जो व्हाट वी कैन से दैट मीडिएटर है वो भी सेंटर है, लेकिन आपकी VM जाएगी कहाँ पे, VM हमारी स्टोर होगी जाके अपने ESXi में। तो Windows 7 के नाम से हम दे देते हैं यहाँ पे नाम, डेटा सेंटर हमारा एक ही है, तो इसमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट करिए आप, नेक्स्ट करने के बाद जो ESXi होस्ट होंगे, अभी जैसे एक है, हम मल्टीपल ESXi बनाने वाले हैं, कम से कम दो ESXi बनाएंगे ताकि आपको ऑप्शन दिखे कि कौन सी ESXi में VM आपने क्रिएट करना है। एवरीथिंग इज ओके, कंपैटिबिलिटी चेक हो गई, नेक्स्ट करिए आप। और यहाँ पे स्टोरेज वगैरह जो हम नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं, 32 GB का स्टोरेज है अपने पास, ठीक है ना, इसमें हम प्रोसीड करते हैं। 15 GB के आसपास फ्री है, 6.5 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कंपेटिबिलिटी सेम यूज कर लेते हैं। नाउ विच टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू वॉन्ट टू कॉन्फिगर, यहाँ पे एक टैबलेट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, विंडोज के केस में तो 64 bit ही यूज करना है ताकि हम HDRS को कॉन्फिगर करें। लिनक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप अदर पे प्रोसीज करेंगे। नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज करने का, जो भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं उसको कस्टमाइज कर लीजिए, क्योंकि 40 GB तो स्पेस है नहीं, यहाँ पे हम 10 GB क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं, मेमोरी 4 GB बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसको हम 1 GB के साथ प्रोसीड कर दे रहे हैं, राइट। नेटवर्क बदलना है आपको, स्पेसिफाई वीडियो कार्ड सेटिंग करनी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं ना कहीं वी सेंटर के थ्रू, जब आप VM क्रिएट करते हैं ना, और जब आप ESXi होस्ट के थ्रू वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। मतलब आपको नंबर ऑफ फीचर्स की बात करें, तो वी सेंटर सर्वर के थ्रू जब VM बनाओगे, अनफॉर्चुनेटली बननी उसको ESXi होस्ट में ही है, लेकिन अगर आप वी सेंटर सर्वर के थ्रू वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, तो इन कंपेयर ऑफ ESXi आपको ज्यादा स्टेप दिखाई पड़ेंगे, ज्यादा ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था, जो थोड़ी देर पहले 0 0 0 था, अब आप देखिए यहाँ पे यूसेज इनका कितना बढ़ गया, CPU यूसेज बढ़ गया, आपके मेमोरी का यूसेज बढ़ गया, स्टोरेज की कैपेसिटी कंज्यूम होना स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ESXi होस्ट जो है वो आपका मेन पॉइंट है vCenter सर्वर के साथ रन करने के लिए। मतलब vCenter सर्वर अगर ब्लैंक है, उसमें कोई ESXi आपने ऐड नहीं किया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना है, किसको, ESXi होस्ट को, और खासकर ESXi होस्ट के अंदर जो VMs रन कर रही है, उस VM को रन करने के लिए हम वी सेंटर सर्वर को मैनेज करने का काम करते हैं, कंट्रोल को, VM को कंट्रोल करने के लिए वी सेंटर सर्वर को काम पे लगाते हैं, राइट। चलिए अब इस VM के ऊपर राइट क्लिक करोगे, किसी भी वर्चुअल मशीन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और चेक करते हैं क्या ऑप्शन दिखाई पड़ता है, पावर ऑन है, गेस्ट है, स्नैपशॉट है। अब देखिए माइग्रेशन जो ESXi पे राइट क्लिक करने पर नहीं मिलता था, क्लोन ऑप्शन नहीं मिलता था, टेम्पलेट नहीं मिलता था, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलता था, ये सभी ऑप्शन आपको जो प्रोवाइड कर रहा है ना, वो हमारा वी सेंटर सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। गॉट इट। तो ये जो वी सेंटर सर्वर है, ये पूरे VMware एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये बोल सकते हो कि अगर आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को एज ए वी सेंटर, एज ए वर्चुअल इंजीनियर, एज ए VM एडमिनिस्ट्रेटर, सो यू शुड नो अबाउट द कि वी सेंटर सर्वर की आपको एक एक एक्टिविटी पता होनी चाहिए। गॉट इट। तो आप अगर टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले 15 दिन के अंदर आपको एक्सपर्ट बना देंगे इन केस ऑफ वी सेंटर सर्वर। सॉरी, पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू बिजी शेड्यूल आई एम अनेबल टू क्रिएट वीडियोस रिलेटेड टू VMware आर अदर टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, तभी अभी थोड़ा सा फ्री है, तो हम डेली बेसिस पे आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, 2 वीडियो आपको मिलेगी एनी हाउ, वो चाहे Azure की हो, AWS की हो, गूगल क्लाउड की हो, Office 365 की, एक दो टेक्नोलॉजी हम और ऐड करने वाले हैं। एंड तो अभी ये रिसेंटर सर्वर की बात कर लेते हैं। तो गाइज, उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो सीरीज है ये डेफिनेटली अच्छी लग रही होगी, क्योंकि कमेंट, प्रीवियस कमेंट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया पॉजिटिव। तो उम्मीद है कि आपको ये भी सीरीज, रिसेंटर सर्वर की सीरीज
आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसमें आपके क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के रिप्लाई देने के लिए, छोटे से प्रैक्टिकल से लेकर के L3 लेवल के प्रैक्टिकल हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो डन करते हैं आज के लिए, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत है, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, राइट। एक दिन में हम पूरा नहीं पढ़ सकते, यू नो दैट, कि हम ये सोच के चले कि 10 दिन में VM इंजीनियर बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हम स्लो स्लो चलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेहनत करेंगे, और 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट की बात करें, वी सेंटर के लिए तो 15 दिन चाहिए, कंप्लीट की बात करें 1-1.5 महीने के अंदर आप VM एक्सपर्ट बन जाएंगे 100%, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डन करें आज के लिए इतना, ठीक है। ये क्लास नंबर 30 के नाम से आपको वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको सर्च कर लेना, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग काम कर सकें। गॉट इट। तो डन करते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।